Hey guys, welcome back to our channel. So in the previous video we just have discussed about the set of matrices ki hum matrices mein hum kaise prove karenge ki ye ring form karta hai under usual addition and multiplication. Fir humne kuch aur cheeze bhi padhi thi, humne ye bhi padha tha ki Gaussian integer kya hota hai aur Gaussian integers ko kaise prove karte hain ki wo ring form karta hai. So since we discussed कि मैंने आपको कहा था कि next video में हम discuss करेंगे कि जब आपको compositions कुछ नई तरह की दी जाए, अगर अपने आप से define करके दी जाए तब हम उसको कैसे prove करेंगे कि वो एक ring form करता है. Now see, ये वाला आपको एक question given है, उस question में given है कि set of all rational numbers आपको दिए हैं और दो compositions define करी है. एक composition कुछ ऐसी है और दूसरी composition कुछ ऐसी है. अभी मैं इसको बोल देती हूँ, under addition उसने ये चीज़ define करी है और under multiplication उसने ये चीज़ डिफाइन किए. मतलब क्या है कि दो नंबर्स को जब आप ऐड करोगे तो रिजल्टेंट ये आएगा और जब दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट ये आएगा. अब आपको कंपोजिशन ये डिफाइन है तो वो बोल रहा है कि प्रूव करो कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर दीज टू बाइनरी ऑपरेशंस क्या बनाता है, रिंग बनाता है. तो काम सारा वही है, हमने वो सारी की सारी 8 प्रॉपर्टीज चेक करनी है. तो मैं पहले नाम क्या दूंगी, हम अंडर एडिशन लिखते थे तो अब यहाँ पर इस बार मैं लिखूंगी अंडर दिस एडिशन. अब अंडर दिस एडिशन मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, तो मैं क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करूँगी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या थी, वही कि क्या इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू. दिस इम्प्लाइज, वो क्या बोलता था कि ए प्लस बी भी कहाँ होना चाहिए, क्यू में होना चाहिए. नाउ सी, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, ए प्लस बी माइनस वन. अब देखो ए भी रैशनल नंबर है, बी भी रैशनल नंबर है, माइनस वन भी रैशनल नंबर है. जब हम इनको प्लस माइनस करेंगे तो भी रैशनल नंबर आना है, तो रिजल्टेंट जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली हमारा रैशनल में चला जाएगा. तो ये तो क्लोजर तो प्रूफ हो जाएगा. सिमिलरली एसोसिएटिव भी ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा. एसोसिएटिव में मुझे क्या दिखाना है कि ए प्लस बी प्लस सी ऐसे इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इन दिस वे. तो ये भी मैं प्रूफ कर सकती हूँ. अब मैं इसको आपको प्रूफ करना दिखा देती हूँ कैसे. हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है, तो मैंने आपको क्या कहा था, पहले हम क्या करेंगे, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी. देखो जब भी कभी इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं तो हम पहले हमेशा ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं. जो भी पहले ब्रैकेट में लिखा होगा हमने उसको सॉल्व करना है, फिर हम बाहर वाली चीज़ों को सॉल्व करते हैं. तो ए प्लस, इसको तो मैं एज इट इज़ रहने दूंगी, मैं अंदर लिखती हूँ क्या इसका मतलब होगा. तो वो कह रहा है दो एलिमेंट्स में जब आप ये वाली कंपोजिशन लगाओगे उसका मतलब क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस वन. कि दो एलिमेंट्स के बीच में ये कंपोजिशन लगेगी तो उसका क्या मतलब है, उनको ऐड करो और माइनस वन कर दो. तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इनको ऐड कर दो और माइनस वन कर दो. अब ध्यान दो, यूजिंग क्लोजर प्रॉपर्टी ये यही तो एलिमेंट है इसी टाइप का, और मैं प्रूव करके आई थी कि ये एलिमेंट क्यू का है. तो अब ये नया एलिमेंट हमें क्यू का मिल गया, तो वापस से वही काम, एक एलिमेंट क्यू का, एक और एलिमेंट क्यू का, उन पर फिर से ये कंपोजिशन लगाओ. फिर क्या बनेगा, यही कि पहले दो एलिमेंट्स को ऐड करो माइनस वन करो. तो इज इक्वल्स टू पहला एलिमेंट लिखा प्लस ये पूरा का पूरा दूसरा एलिमेंट लिखा, और फिर क्या किया हमने, माइनस वन किया. तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू. इस लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही छोड़ देते हैं. अब हम जाते हैं राइट हैंड साइड पर. राइट हैंड साइड में यहाँ सॉल्व कर देती हूँ. राइट हैंड साइड क्या होगी हमारी, ए प्लस बी प्लस सी. फिर से मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट वाली टर्म उठाएंगे, इसको फिर सॉल्व करते हैं यूजिंग डेफिनेशन. ये तो एज इट इज ही लिख देंगे, ए प्लस, यहाँ पे आपने रीजंस देने कि यूजिंग डेफिनेशन, ए प्लस बी माइनस वन प्लस सी. फिर से अब यहाँ पे वही काम, ये एक नया एलिमेंट बन गया, ये भी एक नया एलिमेंट है, ए प्लस बी माइनस वन प्लस सी और माइनस वन. इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी और ये माइनस के टू. सिंस राइट हैंड साइड भी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड भी आ गई, दोनों हमारी इक्वल हैं, देयरफॉर ये चीज़ ट्रू हो गई, हेंस एसोसिएटिव भी प्रूव हो गया. नाउ नेक्स्ट इज थर्ड प्रॉपर्टी विच इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या बोलता था, एक ऐसी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी दैट इज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू There exist E belongs to Q such that क्या होगा A. अब देखो composition ये है तो ध्यान देना, A plus E is equals to A is equals to E plus
तो मेरा काम इस इक्वेशन को कंसिडर करना. तो ये क्या बन जाएगा, दो एलिमेंट्स को ऐड कैसे करते हैं, ए प्लस बी माइनस वन. तो ए प्लस ई माइनस वन इज इक्वल्स टू ए. दोनों तरफ ई कैंस ए कैंसिल हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो. दिस इम्प्लाइज ई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वन. सो वन इज अ रैशनल नंबर. तो हमें एक ऐसी आइडेंटिटी मिल गई. तो हमें आइडेंटिटी भी मिल गई. अब चलते हैं आगे फोर्थ प्रॉपर्टी पे, विच इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आएगा अब यहाँ पे. तो इनवर्स में हमने क्या करना है, वही सारा काम कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, एक ऐसा हमें बी मिलने वाला है सच दैट क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, हमें आइडेंटिटी मिलती थी, इज इक्वल्स टू बी प्लस ए. तो अब यहाँ पे फिर से वही, इसको कंसिडर करो, इनकी एडिशन कैसे खुलेगी, ए प्लस बी माइनस वन इज इक्वल्स टू ई. ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं वन. तो हमें चाहिए किसकी होती थी वैल्यू, बी की. तो बी को यहीं रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में. तो ये वन एज इट इज़, ये वन गया तो प्लस वन, और ये उधर जाके माइनस है. तो बी इज इक्वल्स टू टू माइनस है. अब चेक करना था क्या ये टू माइनस से रैशनल नंबर है. तो सिंस ए देखो कहाँ से आ रहा है, रैशनल नंबर से आ रहा है, तो ए तो रैशनल, टू भी रैशनल, इनकी सब्ट्रैक्शन भी रैशनल. तो मुझे बी भी यहाँ पे रैशनल नंबर मिल जाएगा. तो मुझे इनवर्स भी मिल गया. सिमिलरली मैं ये वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पे प्रूव कर सकती हूँ. दैट इज फिफ्थ प्रॉपर्टी. कौन सी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करते थे कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होना चाहिए. तो बी प्लस ये वाला. तो अब a प्लस बी क्या होगा हमारा, यूजिंग डेफिनेशन, ये a प्लस बी माइनस वन, और ये क्या खुलना है, ये b प्लस ए माइनस वन. वो वैसे ही मुझे दिख रही हैं, दोनों चीज़ें सेम है तो कॉम्यूटेटिव भी हो जाएगा. तो अंडर एडिशन हमने ये पांच प्रॉपर्टीज प्रूव कर दी. अब हम चलेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन. अब मल्टीप्लिकेशन में हमने ये चीज़ें प्रूव करनी है. सो नेक्स्ट इज सिक्स्थ प्रॉपर्टी, जो कि क्या है हमारी, अंडर मल्टीप्लीकेशन में बात करूँ वो प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं अब कैसी होगी यहाँ पे हमारी. तो वो क्या बोलता है, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी भी क्या होना चाहिए, क्यू में बिलोंग कर जाना चाहिए. नाउ सी ए डॉट इंटू बी है क्या गिवन है हमें, दैट इज़ इक्वल्स टू बी प्लस ए प्लस बी माइनस ए बी. तो क्या ये क्यू में है, नाउ सी दिस इज़ बिलोंग्स टू क्यू, ये भी रैशनल नंबर, ये रैशनल, इनका प्रोडक्ट भी रैशनल. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें पता है क्या होने वाली है, रैशनली होने वाली है. तो यही रीज़न देना है कि एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी और प्रोडक्ट भी. तो ये प्रॉपर्टी तो हो गई. नेक्स्ट इज सेवंथ प्रॉपर्टी विच इज़ एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन. तो अंडर मल्टीप्लीकेशन में क्या दिखाएंगे, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी. ये चीज़ें इसमें भी वैसे जैसे हमने एडिशन में प्रूव किया था, कंसिडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड है क्या, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है. तो पहले तो मैं इसको एज इट इज़ लिख देती हूँ, फिर ब्रैकेट वाली टर्म सॉल्व करेंगे. तो बी और इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट माइनस उनका प्रोडक्ट. तो पहला एलिमेंट फिर दूसरा एलिमेंट माइनस इनका प्रोडक्ट. नाउ सी यूजिंग क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्यू का एलिमेंट है तो ये क्यू का नया एलिमेंट मिल गया, ये हमें क्यू का ऑलरेडी एक गिवन एलिमेंट था. तो क्या करो, पहला लिखो फिर दूसरा लिखो, और फिर यहाँ देखो क्या हो रहा है, इनका प्रोडक्ट हो रहा है माइनस के साथ. तो ए इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी. तो इसको हम खोल के लिख देते हैं. इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को हमने सिंप्लीफाई नहीं करना, जितना हो सकता है उतना करो, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है. बस लेफ्ट हैंड साइड निकाल के रख के छोड़ दो, सिमिलरली राइट निकालो, हमेशा सेम ही आएंगी अगर उसमें रिंग बनना होगा तो. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी सी. अब ए से अंदर मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, तो माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी. इस साइड को ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम चलते हैं राइट हैंड साइड पर. राइट हैंड साइड हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है ए डॉट बी डॉट सी. तो इसमें पहले ब्रैकेट वाली टर्म सॉल्व करेंगे, दैट इज़ ए प्लस बी माइनस ए बी डॉट सी. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ए फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे पहले, फिर सेकंड एलिमेंट लिखेंगे, फिर उनका प्रोडक्ट लिख देंगे. तो ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी.
तो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा और साथ में सी के साथ, तो माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी। नाउ सी ध्यान दो, यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होगी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी, तो ये भी इक्वल हो गया, हेंस ये चीज़ इक्वल होगी, देयरफॉर ये एसोसिएटिव हो गया। तो हमारी यहाँ पर सेवन प्रॉपर्टीज ट्रू हो गई। नाउ नेक्स्ट वन इज एट्थ प्रॉपर्टी विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव। प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती थी, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए। सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, ए प्लस बी डॉट सी विच इज इक्वल्स टू ए डॉट सी प्लस ए प्लस बी डॉट सी। तो हम ये दोनों प्रॉपर्टीज ट्रू करनी होती थी। अब यहाँ पे मैं पहली प्रॉपर्टी सॉल्व कर दूँगी, सेकेंड आप अपने आप कर लेना, सेम ही होगी जैसे फर्स्ट होनी है। तो मैं फर्स्ट कंसिडर करती हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा ली हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड है क्या, ए डॉट बी प्लस सी। तो पहले ब्रैकेट वाला टर्म सॉल्व करेंगे, तो बी प्लस सी का मतलब बी प्लस सी माइनस वन, और डॉट में क्या होता था, पहले एक एलिमेंट लिखते थे फिर दूसरा एलिमेंट लिखते थे फिर इनका प्रोडक्ट करते थे विद नेगेटिव साइन, यही करते थे विद नेगेटिव साइन। तो ये क्या बनने वाला था, ए इंटू बी प्लस सी माइनस वन, तो विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस वन माइनस ए बी माइनस ए सी एंड माइनस माइनस प्लस ए। इसको यहीं तक सॉल्व कर देते हैं, आगे इनको ऐड करके लिखना है, टू है तो आप लिख सकते हैं। मैं आगे चलती हूँ राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड इसके कैसे सॉल्व होगी, ये रही इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ए डॉट बी तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, ए प्लस बी माइनस ए बी देन प्लस, तो ए और डॉट सी क्या आ जाएगा यहाँ से, ए प्लस सी माइनस ए सी, और प्लस में सिंपल क्या होगा, ऐड करके माइनस वन करना है। तो ये क्या बन जाएगा, एज इट इज़ ए प्लस बी माइनस ए बी आ जाएगा, फिर ए प्लस सी माइनस ए सी आ जाएगा और माइनस वन। चेक करते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर सारे हैं, माइनस वन माइनस वन माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस ए सी एंड प्लस ए टू टाइम्स। तो ये भी हमारी ट्रू हो गई, हेंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमारी ट्रू होगी। ये फर्स्ट ट्रू हो गई, सेकेंड आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी एट प्रॉपर्टीज ट्रू हो गई हैं, सॉल्व हो गई, सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ दिस रैशनल नंबर अंडर दीज टू बाइनरी ऑपरेशंस क्या करता है, फॉर्म्स अ रिंग। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अभी तक हमने गॉसियन इंटीजर्स पढ़ लिए हैं, मैट्रिसेस पढ़ लिए हैं कि सेट ऑफ मैट्रिसेस में हमने रिंग्स कैसे प्रूव करना होता है। फिर हमने ये भी देख लिया कि अदर देन यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन अगर आपको कोई और दो ये बाइनरी ऑपरेशंस आ जाएँ तो उसको कैसे हमने सॉल्व करना है, अगर वो खुद से डिफाइन करके दे दे क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट वीडियो में हमने रिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं, तो तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए। जो भी डाउट है उनको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कोई और आपके व्यूज़ हैं किन टॉपिक्स पे वीडियोस बननी चाहिए आप उनको भी शेयर कीजिए, ताकि हम और अच्छे से आपको अच्छे डीपली एक्सप्लेन कर सकें सारी चीज़ें। टिल देन टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।